हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका जो 2021 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप कहेंगे मैम आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपने जो पेपर सॉल्व किया है उससे आपको कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो आपको पता है कि 1 से 5 तक यानी 1 to 5 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है, इसमें ऑप्शन हो जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर आपका हो जाता है कबीर दास। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं, यानी लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा। तो इसमें आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। चित्रक का तद्भव रूप है, तो चीता, चित्र, चित्त, चेतक। तो चित्रक का तद्भव रूप चीता हो जाता है, ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, निर्धन, अकिंचन, असमर्थ, अक्षम। तो अकिंचन हो जाता है, यानी जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन। देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों में आकर व्यवहार या प्रचलन में है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि हो जाते हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाला व्यक्ति या पुरानी बातों पर चलने वाला व्यक्ति। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो अपने जो पुराने रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ कहते हैं नहीं 5G जमाना आ गया हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अपनी अपनी जगह पे दोनों सही होते हैं। कुछ लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूलते हैं, वो तो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि जो हम भारत में रह रहे हैं यहाँ का कैसा है माहौल, यहाँ का देखिए पुराने रीति रिवाजों पर निर्भर है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो अब का दौर चल रहा है वो भी सही है, अपनी जगह पे कोई भी गलत नहीं है, है ना। बाकी यहाँ पे जो मुहावरे का अर्थ हो जाता है लकीर का फकीर होना, तो पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाला व्यक्ति या पुरानी बातों पर चलने वाला व्यक्ति। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो किसी चीज़ से कोई प्रसिद्ध चीज़ से उपमा की जाए तो उसका वो कौन सा अलंकार हो जाता है? तो उपमा अलंकार हो जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो जिसके पास ज्ञान कम और उसका दिखावा अधिक करे। कुछ लोग कैसे होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत थोड़ा सा होता है, और उनसे आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। वही व्यक्ति कह सकता है मुझे सब आता है जिसके पास बहुत थोड़ा सा ज्ञान होगा, और जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा उसको तो ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब नीर छीर विवेका, जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है, तब क्या होता है, सत्यता आपके सामने आ जाती है, बगुले और हंस की पहचान हो जाती है। तो ये चीज़ है, यानी क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए जिसके पास ज्ञान कम और उसका दिखावा ज़्यादा करे। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कम पढ़े लिखे होंगे, बहुत सूट बूट बड़ा मेंटेन रहेंगे, ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा कहीं पे कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन होते वो कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग क्या बहुत ऊंची पोस्ट पे होंगे फिर भी वो क्या
आप देखने में आपको वो साधारण से प्रतीत होंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे, जब उनके बारे में जानेंगे, तब आपको लगेगा कि कौन बाहरी दिखावा कर रहा था और कौन रियल में है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानार्थक योजक से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। योजक शब्द और परंतु इसलिए आदि हो जाते हैं। जैसे कोई भी आपको, जैसे वो गया और वो चला आया, या वो विद्यालय गया और विद्यालय से वो बाजार चला गया, है ना, इस तरह से। तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ? तो 1943 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यानी अभी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अब आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपका हो जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर यानी अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द कहते किसको है, तो नाम से ही पता चल रहा है। एकार्थी शब्द वे कहलाते हैं जिनका वाच्यार्थ एक ही होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, और आपका हो जाता है स्थानों के नाम आदि श्रेणी के शब्द हैं, जैसे जनवरी, हिंदी, आगरा, नरेंद्र मोदी आदि हो जाते हैं। अब उसके बाद अनेकार्थी, भाई अनेकार्थी मतलब अनेक, है ना। भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं, जैसे आँखों की पुतली, नक्षत्र, उपचार, उपाय, सेवा, इलाज, कल, शोर, मशीन, सुंदर, पिछला दिन, अगला दिन आदि हो जाते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो कुछ शब्द इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णता भिन्न होता है, जैसे अति का बहुत, इति का समाप्त, अचर का जड़, अचिर का शीघ्र, अंश का भाग, अंश का कंधा आदि हो जाते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं, जैसे जल, नीर, वारि, पानी, और अमृत का घोड़ा, बाजी, है, सैंधव, तुरंग, आँख का नेत्र, नयन, द्रग, चछु, विलोचन, कमल का सरोज, जलज, पदम, अंबुज हो जाते हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, कुछ शब्दों के युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं, ये विलोम या विपरीतार्थक कहे जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं आपके विपरीत चलते हैं, विपरीतार्थक चलते हैं, अगर आपने उसको अच्छा कहा तो किसी ने जो आपकी विपरीत चलता है, आपकी बातें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो उल्टा चलेगा। आपने कहा अच्छा तो उसने कहा बुरा, आपने कहा गोरा तो उसने कहा काला, तो ये क्या हो जाते हैं, ये विपरीतार्थक। चलिए इसी बहाने हमारे विलोम शब्द तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब भी चीज़ें सीखें तो जो आपके आसपास में चीज़ें हो रही हैं, लोग उस तरह से आपके जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी आप कुछ ज्ञान ले और अपनी शिक्षा में जोड़े, तो क्या होता है, चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, शिक्षा जब भी आप ग्रहण करें तो जो रोज़मर्रा में हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो उससे जुड़ाव करके आप शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री कहते किसको है। तो अगर पहले हम सिर्फ श्रव्य की बात करें तो श्रव्य यानी सिर्फ सुन सकते हैं, सुनकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो श्रव्य सामग्री हो जाती है। जैसे रेडियो से आप क्या करेंगे, सुनकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद दृश्य सामग्री हो जाती है, तो दृश्य यानी देख कर जिससे हम ज्ञान प्राप्त करें, जैसे आपकी बुक हो गई, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इससे आप क्या करेंगे, आप देख कर ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब श्रव्य दृश्य सामग्री, अब आपका एक ही में हमने जोड़ दिया श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये हुआ श्रव्य दृश्य सामग्री, जिससे हम देख कर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आपका मोबाइल हो जाता है, भाई आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे, नोट्स भी देख रहे हैं और वॉइस को सुन रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो गई, ये श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई। आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गई, तो ये आपकी क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। अब इनकी विशेषताएं क्या है, भाई आप बच्चों को इससे पढ़ाएंगे, मोबाइल से, टीवी से, कंप्यूटर से, तो बच्चे कितना इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे। तो भाई यही कहा ये जा रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या है, कि भाई बच्चा रुचि ले रहा है, बच्चा एक्टिव है, इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है।
और उसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं। तो जीवनी क्या होती है? जीवनी का मतलब ये होता है कि आपने हमारे बारे में जाना और आपने हमारे बारे में लिखा, तो ये हो गई जीवनी। किसी दूसरे के बारे में लिखना जीवनी कहलाता है और आत्मकथा हम अपने बारे में ही लिखेंगे। ठीक, एक पॉइंट आपका ये तैयार हो गया, क्योंकि अंतर में कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो होने चाहिए। और एक चीज़ और हम बता देते हैं कि जब भी आप अंतर लिखें तो आप इस तरह से स्टार बना के लिखें, तो इसमें क्या लगता है कि हाँ ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आत्मकथा है वो अपने बारे में लिखी जाती है, जीवनी दूसरे के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा में क्या होता है, सत्यता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम अपने बारे में कोई चीज़ लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने बारे में कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जब आप हमारे बारे में लिखेंगे, यानी आप हमारे बारे में क्या लिखेंगे, तो जीवनी उसको कहेंगे। तो जीवनी में सत्यता इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हम जो कुछ आपको बताएंगे तो वही तो आप मानेंगे ना, वही मान्य होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं हम अपने बारे में बिल्कुल सत्य बता ही रहे हैं, लेकिन जब हम अपने बारे में लिखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ सत्यता होगी, सत्य होगी। मिनट सेकेंड के अकॉर्डिंग, घंटे के अकॉर्डिंग हमारे साथ क्या हुआ, हम उसमें सभी चीज़ें लिखेंगे। तो इसलिए आत्मकथा जो है उसमें सत्यता ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा के लेखक का नाम बताएं। तो आत्मकथा की अगर हम बात कर लेते हैं और जीवनी की हम सॉरी यहाँ पे हो जाता है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं, तो हो गया आपका। तथा किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम बताएं। तो आत्मकथा की अगर हम बात करें तो तुज़के बाबरी, तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा हो जाती है। ऐसे बहुत सी आत्मकथाएं आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखवा दी, बाकी आप भी अपने तरीके से भी समझिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में कौन विख्यात है, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसमें आपका ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, बूढ़ा चांद, ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद है आपका प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसके शब्दों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पास से आपका हो जाता है प्रत्यय और पास से आपका हो जाता है पीछे, यानी जो शब्द पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे है वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है कि पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, पूर्ण विराम का मतलब होता है जब हम कोई सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद एक इस चिन्ह का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो पूर्ण विराम कहलाता है। और ऐसा नहीं है, कोई शर्त नहीं होती है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसके बाद लगेगा, बहुत छोटा सेंटेंस है उसके बाद लगेगा, कब लगेगा इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब भी आपका वाक्य कंप्लीट हो आप पूर्ण विराम लगाएं, ठीक है ना। तो ये ठहरने के लिए होता है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जब हम कोई वाक्य को कंप्लीट करते हैं इसके लास्ट में लगाते हैं, ये अर्ध विराम से बड़ा और अर्ध विराम से भी बड़ा होता है, ठीक है, और अल्प विराम से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा ये होता है। और पूर्ण विराम से छोटा कौन होता है, अर्ध विराम, और अर्ध विराम से छोटा कौन होता है, अल्प विराम। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं गई, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि वाक्य में पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम इस तरह से ये जो आपका एक ये एक खड़ी लाइन हो जाती है इसको कहते हैं। आपने जैसे यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद मान लीजिए आपने लिखा कि राधा स्कूल जा रही है, कहाँ, तो राधा स्कूल जा रही है। अब उसके बाद में आपने क्या किया, पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे भाई यहाँ पे आपका हो जाता है कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्या क्या रमेश घर गया, तो क्या रमेश घर गया, तो उसके बाद में आपने क्या क्या इस चिन्ह का यूज़ किया। उसके बाद और भी सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम बाजार गए थे, क्या तुम बाजार गए थे, ठीक है, बाजार गए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्यों, कब, कैसे, कहाँ,
या बीच में आपने कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो बीच में अगर आता है तब भी आपको प्रश्न चिन्ह लगाना रहता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, साधारण तो उदाहरण भी हमने दे दिया और आपको बता भी दिया। औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो औपचारिक और अनौपचारिक भाषा, जैसे आपने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जाना, आप जानते हैं अच्छे से कि किसको कहते हैं कि जो शिक्षा हम उस एक टाइम होता है निश्चित, शिक्षक निश्चित होते हैं, सिलेबस निश्चित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, औपचारिक। और जिसमें कोई शिक्षक निश्चित नहीं होते, टाइम निश्चित नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम, दिन के 24 घंटे होते हैं, कभी भी हम शिक्षा ग्रहण करें, वो होती है अनौपचारिक। इसमें कोई नियम, कोई कानून, कोई बंधन कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह आपकी जो यहाँ पे भाषा पूछी जा रही है, तो भाषा देख लेते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक। तो पहले औपचारिक देखते हैं। औपचारिक भाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जो वक्ता द्वारा औपचारिकतावश बोली या लिखी जाती है। इसके पीछे औपचारिक बाध्यता या नैतिक बल होता है, यानी ये किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में बंधी होती है। जैसे ये क्यों कहा गया है ऐसा, जैसे आप ऑफिस में गए, स्कूल में गए, तो वहाँ पे आप कुछ तो ऐसे रहते हो ना कि भाई जो घर की लैंग्वेज होती है उसे नहीं बोलते हो, बहुत ही मैनर्स में रहते हो। हालांकि बच्चा मैनर्स में घर में भी रहता है, लेकिन इसमें कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं होते कि मम्मी के सामने ऐसे बैठना है, पापा के सामने ऐसे बैठना है। बच्चा मम्मी पापा के सामने एकदम खुला होता है ना। तो जब ऑफिस में जाता है तो उसमें चेंजेस होते हैं, वो अपनी बोली में भी क्या करता है, चेंजेस करता है कि किस सभी को आप कहना है, रिस्पेक्ट से बात करनी है, ये सभी चीज़ें, तो ये औपचारिक में आ जाते हैं। और अनौपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक भाषा वो भाषा होती है जिसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक बाध्यता ना होकर परियोजनात्मक बाध्यता होती है। क्यों, व्यक्ति अपने क्या होता है, अपने हृदय के भाव विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करता है। यानी भाई अनौपचारिक में क्या हो गया, आप घर में है, किसी कोई रेगुलेशन नहीं, कोई रूल्स नहीं, आप बोल रहे हो, आप जिस भाषा में, जैसे मातृभाषा जो आपकी है, आप उस भाषा में बोल रहे हो, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये अनौपचारिक भाषा हो जाती है। तो इसमें वही चीज़ की कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, यानी कोई बाध्यता नहीं होती कि नहीं तुमको एकदम एक्यूरेट वही चीज़ बोलनी है, सेंटेंस टू सेंटेंस बोलना है। अरे बच्चा तो ऐसे भी बोल देता है, अगर उसको पानी की ज़रूरत होती है तो इशारा ही कर देता है, बच्चा छोटा है तो मम ही बोल देता है, तो उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आई होप आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे, जिस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा आपने सीखी, उसी तरह औपचारिक और अनौपचारिक भाषा भी आज आपने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, और हम हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।